सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की तरफ से मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं जो कि हम कवर करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में तो यहाँ पर नॉन फैकल्टी की मल्टीपल पोजीशंस हैं चाहे आपको ऑफिसर की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है रजिस्ट्रार की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है या कोई और पोजीशन है जिसके लिए अप्लाई करना, जिस करना, करना, जिस करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएटेड हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएटेड हो यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोजीशन एंड येस यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी चाहे एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर्स हैं अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज के लिए अब ऑल इंडिया एप्लीकेशन है या स्टेट वाइज एप्लीकेशन है इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि फुल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मैं नहीं किया है कि सिर्फ मणिपुर के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सो ऑल इंडिया एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्टेड है सिर्फ एक चीज़ क्लियरली मैंशन की गई है कि जो भी इंडियन सिटीजन नहीं है दे कांट अप्लाई फॉर दीज पोजिशन तो यहाँ पर ऑल इंडिया एप्लीकेशन है अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज के लिए जो कि आउट की गई है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की साइड से तो येस यहां पर फुल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे क्या एज लिमिट है क्या क्वालिफिकेशन है वो सब चीजें डिटेल में कवर की जाएंगी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा so, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज डेली हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एंड येस टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिएगा लिंक्स प्रोवाइडेड हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं यहां पर ऑफलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे फॉर द वेरियस पोस्ट एंड रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर यूनिवर्सिटी में ही आपको यहाँ पर सबमिशन करना होगा यस एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप कहाँ से मिलेंगे नोटिफिकेशन में मैं कवर करूँगी यहाँ पर एंड यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो मल्टीपल पोजिशन यहाँ पर आउट की गई हैं चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए मेडिकल ऑफिसर के लिए इंजीनियर की वैकेंसीज यहा यहाँ पर हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर की है स्पोर्ट्स ऑफिसर की है हैल्टि हॉटिकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज आउट की गई है लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पर यहाँ पर स्टेनोग्राफर मशीन ऑपरेटर ड्राइवर मल्टीटास्किंग स्टाफ मल्टीपल 53 वैकेंसीज़ टोटल नंबर ऑफ़ 53 थ्री आउट की गई है यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस के लिए तो यहाँ पर अगर पे के लिए बात की जाए क्लियरली मेंशन किया गया है 18,000 से लेकर यहाँ पर 56,000 प्लस तक की जो तो सैलरी है वो प्रोवाइड की जा रही है इन मल्टीपल वैकेंसीज़ के लिए फिफ्टी थ्री वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड येस प्रॉपर आपको जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर मिलेगी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी वाइज अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी एंड येस yes, यहाँ पर फी कंसेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर मेनली बात की जाए क्वालिफिकेशन की तो मास्टर्स किया है पर्टिकुलरली एंड यहाँ पर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपका पोजिशन के लिए चाहे वन ईयर का है टू ईयर का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन है अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वैकेंसीज के लिए देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर्स रिक्वायर्ड है चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में हो यहाँ पर फिर मास्टर्स रिक्वायर्ड की गई है लेकिन यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली मास्टर्स है तो जो भी कैंडिडेट्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली मास्टर्स कंप्लीट की है देंगे अप्लाई फॉर दिस पोजिशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस रहेगा आपका कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें रेलिवेंट एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी असिस्टेंट आर्किटेक्ट है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिग्री रिक्वायर्ड है आर्किटेक्ट में तो आर्किटेक्चर में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है यू कैन अप्लाई मेडिकल ऑफिसर के लिए एम बी बी एस यहाँ रिक्वायर्ड है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए सिविल या इलेक्ट्रिकल में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या फिर टू ईयर्स का डिप्लोमा आपने किया है वो रिक्वायर्ड रहेगा एंड हिंदी इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड रिक्वायर्ड है मशीन ऑपरेटर के लिए यहाँ पर टेंथ क्लास सिर्फ रिक्वायर्ड रहेगी एंड ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नॉलेज है हिंदी इंग्लिश की दैट विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्राइवर के पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा लेकिन टेंथ पास अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के लिए टेंथ पास अप्लाई कर सकती हैं तो मास्टर्स की है ग्रेजुएशन की है पोस्ट ग्रेजुएशन की है टेंथ पास है ट्वेल्थ पास है यू कैन अप्लाई फॉर दिस फिफ्टी थ्री वेकेंसी वेरियस वैकेंसीज हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आउट की गई है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी एंड पर्टिकुलरली जनरल इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आउट की गई है यहाँ पर अब मेनली हम बात करेंगे एप्लीकेशन की देखिए ऑफलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पर ऑफलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा वी आर प्रोवाइडिंग द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप अप्लाई कर सके कंप्लीटली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए फिल आउट कीजिए एंड रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर यूनिवर्सिटी में ही आपको सबमिशन करना होगा विद द एप्लीकेशन फी प्रॉपर यहाँ पे फी के साथ आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको मैंशन करना होगा सो ऑनलाइन एप्लीकेशनस यहाँ रहेंगे फॉर द वेरियस पोस्ट फिफ्टी थ्री वेकेंसीज आउट की गई है थर्टी एथ नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं पोजिशन के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन है इन वेकेंसीज के लिए मल्टीपल वेकेंसीज हैं चाहे फ्रेशर्स हैं या ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड है एक्सपीरियंसड है यू कैन अपलाई फॉर दिज वैकेंसीज सो दो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड टू अपलाई दस्ट फॉर द एप्लीकेशन वी आर प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द एप्लीकेशन फॉम थैंक यू